तो चश्मदीदी धीरे धीरे दिशा सालियान की मौत या फिर हत्या, इसकी मिस्ट्री खोल रहा है। आत्महत्या या हत्या, एक्सीडेंटल डेथ या हत्या करी गई, हत्या करके फेंका गया या फेंक कर हत्या करी गई, सब खुलासे करेगा ये चश्मदीद। मैं आपको बता दूं अब तक इस चश्मदीद ने क्या कहा है। चश्मदीद के मुताबिक वो 9 से 9:30 बजे दिशा सालियान की पार्टी में गया था। दिशा सालियान के घर का दरवाजा उनकी एक महिला दोस्त ने खोला। मेरे दोस्त दिशा सालियान को जानते थे, इसलिए दिशा सालियान ने उनको हक किया। वो एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दी और उसके बाद वो लोग पार्टी के अंदर शामिल हो गए। यहां तक उसने अपने दोस्त से बोला, मैं वेज खाता हूं, अगर खाना नॉन वेज हुआ तो हम ड्रिंक्स वहां पर लेंगे लेकिन खाना बाहर खाएंगे। अब ये चश्मदीद अपनी जान की खैर मना रहा है। इसका दोस्त जो उसको पार्टी में ले गया था वो अभी तक गायब है। इस व्यक्ति का पता ठिकाना, इसका आधार कार्ड सब हमारे पास है। जान की सलामती के लिए हम वो तमाम चीजें नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस पार्टी में कौन कौन मौजूद था उसी एक शख्स को खोज निकाला है न्यूज नेशन ने और उसके घर के सामने खड़ा है। पहले देखिए पार्टी की वो तस्वीरें, ये देखिए हिमांशु शिकरे और आपको दूसरी तरफ से हम दिखाएंगे पार्टी की तस्वीरें। ये देखिए हिमांशु शिकरे अपने घर की बिल्डिंग में खड़ा है, पुलिस आती है, हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खां को वहां से हटा देती है। ये है हिमांशु शिकरे, ये चश्मदीद है। देखिए कैसे पार्टी चल रही है और कैसे हिमांशु शिकरे इस पार्टी के अंदर मौजूद है। जिस दिन से दिशा सालियान की हत्या हुई है यानी 8 जून, और आज क्या तारीख है, आज तारीख है सितंबर की 18 तारीख, यानी 3 महीने 10 दिन हिमांशु शिकरे खामोश है। रोहन रॉय बॉयफ्रेंड मंगेतर खामोश है, दीप अजमेरा गायब है, इंद्रनील वैद्य खामोश है, क्यों? यही सवाल न्यूज़ नेशन पूछ रहा है। अगर कोई फाउल प्ले नहीं है, सिर्फ एक आत्महत्या का मामला है तो ये लोग क्यों खामोश है, क्यों मुंबई पुलिस इनको बचा रही है? अगर सवाल उठ रहे हैं तो हिमांशु शिकरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे, यही शक पैदा करता है। इसीलिए चश्मदीद को लाने पड़ा है। किससे डर रहा है ये चश्मदीद, किससे इसको है जान का खतरा, किसने इसके दोस्त को गायब किया है, ये तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। मेरे साथ एक नया पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरे दो सहयोगी राकेश पांडे जो इस वक्त मौजूद है रोहन रॉय के घर पर जहां पर दिशा सालियान की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, और मेरे दूसरे सहयोगी रुमानुल्लाह खां जो हिमांशु शिकरे को ट्रैक कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता लगाया था आज पहली बार हिमांशु शिकरे टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है। रुमान, हिमांशु शिकरे क्या रोल है, क्यों बच रहा है, क्या छुपाना चाह रहा है हिमांशु शिकरे, और अगर सब कुछ सामान्य है और अगर मात्र एक आत्महत्या का मामला है तो ऐसे में तो हिमांशु शिकरे को सामने आकर बता देना चाहिए क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर देश इतने बड़े मर्डर मिस्ट्री में उनसे सवाल पूछ रहा है तो वो छुपकर पुलिस का सहारा लेकर क्यों भागना चाहता है। सामने आके उसे खुद बताना चाहिए था, क्योंकि दिशा उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो खिड़की है उस पर आ रहा है, बार बार नजर आ रहा है, लेकिन सामने आके बोलने को राजी नहीं है और उसको उस तक कोई पहुंच ना जाए इसके लिए मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस के 2 कांस्टेबल भागते हुए आए, उनका सांस फूल रहा था कि यहाँ पर हिमांशु के पास कौन आ गया है। उसके बाद एक सीनियर इंस्पेक्टर 3 स्टार वाले वो आके कह रहे हैं कंट्रोल रूम से प्रेशर है, बार बार फोन आ रहा है, आप उसके पास मत जाओ। हिमांशु ने अपने दरवाजे पे जो तावीज़ गंडे घोड़े की नाल और तमाम दूसरी चीज़ें तंत्र मंत्र टोटना डाल रखा है ना, वो भी उससे सच्चाई निकलवाने से हमें नहीं रोक सकता। वो सच ज़रूर बोलेगा क्योंकि उसके सीने में वो तमाम राज छुपे हुए हैं जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े हुए हैं। वो रात में वहाँ पर था, वो एक एक चीज़ जानता है और इसी वजह से वो छुप रहा है, बच रहा है, किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लोगों का कहना है कि आजकल उसका दिखना भी कम हो गया है इस इलाके में। पहले वो बाहर अक्सर आया करता था, तावीज़ गंडे टोटने उसने अपने दरवाजे पर टांग लिए हैं। सीधे तौर पर वो हर चीज़ जानता है, एक एक राज जानता है और अपनी दोस्त की मौत को क्या उसने बेच दिया है। और अगर सब कुछ सही है, कोई फाउल प्ले नहीं है, तो सामने आके बताता क्यों नहीं कि सब कुछ सही है, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन उसका जो छुपना है और उसको मुंबई पुलिस को जो बचाने की कोशिश है, जिस तरह से उसको बचाने में मुंबई पुलिस सामने आती है, वो बताती है कहीं ना कहीं दाल में काला है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के कांस्टेबल भागते हुए आए थे, उसे लगता है कि पूरी दाल ही काली है। मैं मुझे रुबान एक बात बताइए, रोहन रॉय की अगर बात की जाए जो मंगेतर है दिशा सालियान के, वो एक टेलीविजन का एक्टर था, पिया अलबेला नाम की एक सीरियल में उसने काम किया था। ये भी बताया जा रहा है कि उसकी एक वेब सीरीज और उसकी एक फिल्म आने वाली थी, ऐसे में वो गायब क्यों है, ये सवाल भी खड़ा होता है। और ये हिमांशु शिकरे क्या करता था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? बाकी दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये लोग कहाँ हैं? देखिए सब फरार हैं। आप सोचिए कि मंगेतर
जिसकी मौत हो गई और उसका मंगेतर जो कि एक ऐसा आदमी जो कि टीवी सीरियल कर चुका है, क्रू को फेस कर चुका है, कैमरे को फेस कर चुका है, हजारों लोगों के बीच में एक्टिंग कर चुका है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी नहीं है। ऐसा आदमी लापता है, लोगों के सामने नहीं आ रहा है, आके सच्चाई नहीं बता रहा है और अपनी मंगेतर की मौत की सच्चाई तक उसकी जबान से नहीं निकल रही है, उसके बदले वो छुपा हुआ है। तो सीधे तौर पर संदेह के घेरे में है। क्यों छुपा हुआ है आखिर? क्या ऐसा है जो उस जानता है? किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? दूसरा, हिमांशु शिरखे सबसे करीबी दोस्त, साथ में पढ़ाई की थी दिशा सालियान के, अपना काम करता है, दिशा सालियान की पार्टीज में जाया करता था, शौक था इसे भी सेलिब्रिटीज से मिलने का और तमाम लोगों से मिलने का, जो इसका शौक दिशा सालियान पूरा कराया करती थी, अपने आप शूटिंग पर ले जाती थी और भी तमाम जगह पर इसको भी लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी। मतलब दिशा ने भी इसके लिए काफ़ी कुछ किया है, जो दोस्ती थी कॉलेज टाइम की वो निभा रही थी, लेकिन दिशा की मौत हो गई और ये चुप है आदमी, ये पुलिस को बुला रहा है। अगर हमने इसके दरवाजे पर पहुँचे और इससे कहा कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं उस रात क्या हुआ, इसने कॉल कर दी और वो भी झूठी कॉल, पुलिस को कॉल करके बोलता है जैसा कि पुलिस वालों ने बताया, हालांकि सच कौन बोल रहा है कौन नहीं ये नहीं पता, उसने कहा कि कुछ लोग मेरे दरवाजे पे आ गए हैं और मेरी जान को खतरा है और दरवाज़ा पीट रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि पड़ोसियों ने हमें परमिशन दी थी कि आप यहाँ पर रह सकते हैं हमारे दरवाजे के सामने, उनका पूरा परिवार हमसे बात कर रहा था, तमाम चीज़ें थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो सीधे तौर पर पुलिस वाले भागते हुए आए, दो पुलिस की गाड़ियाँ आई, ये आदमी भी ऊपर से झांक सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक बार आके ये नहीं बता सकता कि आखिर क्या हुआ था। तो कोई ना कोई तो ऐसा राज है जो ये लोग छुपा रहे हैं। तमाम जो चेहरे उस पार्टी के अंदर मौजूद थे सब लापता हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को पता है सब कहां पर हैं और उनसे बयान भी ले चुकी है, लेकिन जो बयान लेना था वो नहीं लिया गया, क्योंकि जो चश्मदीद हमारे चैनल पर आज बैठकर बता रहा है, सच्चाई बता रहा है, वो भी तैयार है मुंबई पुलिस से जांच में सहयोग करने के लिए, लेकिन उसको भी अपनी जान का खतरा है, वो इनकी तरह बिका नहीं है, ऐसा उसका कहना है। तो सीधे तौर पर जो आज न्यूज़ नेशन ने खुलासा किया है उसके आधार पर क्या इन तमाम लोगों से फिर से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या मुंबई पुलिस को सही तरीके से जांच नहीं करनी चाहिए? मारने के लिए कैमरा और लाइव ओबी वैन नहीं लेके जाएगा क्या? हिमांशु शिरखे के पास इतना लॉजिकल सेंस नहीं है कि रुमानुल्लाह लाइव वीडियो लेकर जाएंगे, लाइव कैमरा लेकर जाएंगे, कैमरा लेकर जाएंगे, माइक लेकर जाएंगे और मारने आएंगे हिमांशु शिरखे को? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। सब पता है हिमांशु शिरखे को, सब पता है अपने आप को, लेकिन उसकी बातें पुलिस भी तो मानकर आ रही है। आप ये देखिए कि कांस्टेबल भागते हुए आए हैं, मतलब मुझे पर्सनली आप वो फुटेज देख सकते हैं कि मैं उस कांस्टेबल की कंडीशन देखकर मैं डर गया, मैं परेशान हो गया कि इतनी बुरी तरह से उसका सांस उखड़ रहा था, मैंने उससे कंधे पर उसके हाथ मारा, फिर मैंने उससे कहा कि आर यू ओके, आप ठीक हो, क्योंकि मुझे उनकी फिक्र होने लगी थी उसके ऊपर कितना दबाव रहा होगा कांस्टेबल्स के ऊपर। आप देखिए किस तरीके से वो भाग कर आए हैं। उसके थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेबल जब थोड़ा उनका सांस उखड़ना बंद हुआ, उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर भागते हुए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कंट्रोल रूम से दबाव है, बहुत दबाव है, कॉल आ रही है, आप कौन है, आप क्या कर रहे हो, सब कुछ उनको समझ में आ गया। आते ही उन्होंने सबसे पहले कहा, अच्छा आप लोग, हमें पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर। तो सीधे तौर पर पुलिस के अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक भागते हुए आ रहे हैं, सांस फूला हुआ है, उखड़ा हुआ है, कितना दबाव रहा होगा दीपक जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और चश्मदीद क्या कह रहा है? जो चश्मदीद जांच एजेंसियों के सामने आना चाहता है, जो वो अपनी बात कहने चाहता है, पहले कहता है उस दिन में डरा हुआ था, कुछ क्यों नहीं कर पाया, लेकिन अब डर नहीं है मुझे, मेरा दोस्त गायब है, मुझे भी जान का खतरा है, इसलिए मैं जांच एजेंसियों के सामने आना चाहता हूं, उस दिन मैं डरा हुआ था, आज मैं डरा हुआ नहीं हूं। क्या कहता है जो ये कह रहा है कि मैं दिशा सालियान के मौत के हर एक राज को जानता हूं, क्योंकि मैं हूं चश्मदीद। सुनिए, अभी इन लोगों से निकाल लिया जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर दिशा, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आने के लिए तैयार हूँ CBI के सामने। 8 जून रात को जो मीडिया बोल रहे कि 12:30 बजे हुआ है, भैया 12:30 बजे हुआ ही नहीं है, वो हुआ है 11 के पहले, वो हुआ है 11 के पहले। हत्या हुई है आत्महत्या, या हत्या फ्लैट में कर दी उसके बाद फेंका गया, या मास्टर बेडरूम की बालकनी से दिशा सालियान को फेंका गया, इतनी दूर गिरी कि वो लगभग 12 फीट दूर गिरती है मास्टर बेडरूम से। विक्रम सिंह जी, सीधे चलता हूं विक्रम सिंह जी, दिशा के परिवार ने कहा जांच नहीं तो आपने जांच बंद कर दी, क्यों? सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद आपको नहीं लगता था और जिम्मेदारी से दिशा सालियान केस की जांच करनी थी? विक्रम सिंह से सवाल लूंगा,
नेता हैं शिवसेना के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण साहब फॉर्मर एसीपी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका राणा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मानवी तनेजा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। लेकिन विक्रम सिंह जी, ये क्या हो रहा है? शिवसेना लीपा पोती एक्सपर्ट कैसे बनती जा रही है? जवाब दीजिए इसका, देश आपसे जवाब जानना चाहता है। दीपक जी, ये पहले दिन से ये सवाल उठ रहे थे जब सुशांत सिंह का ये हादसा हुआ कि दिशा सालियान के साथ ये चीज जुड़ी हुई है, लेकिन अब सुशांत सिंह की जांच सीबीआई कर रही है तो इसमें भी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सीबीआई पे तो भरोसा रखो। अरे पहले तो आप लोगों ने माहौल बनाया कि भाई मुंबई पुलिस सही जांच नहीं कर रही, मुंबई पुलिस पे प्रेशर है, प्रेशर डाल रहा है। इसमें बड़े बड़े करना है तो शिवसेना सरकार क्यों है वहां पर? क्यों बैठे हैं आप सत्ता में? क्यों बैठे हैं सत्ता में? अरे भाई पुलिस तो जांच कर रही है, ये तो आप मीडिया। पुलिस ने केस क्यों बंद कर दिया? फाइल क्यों डिलीट हो गई? पूछ रहा हूँ आपसे, फाइल क्यों डिलीट हो गई? मानवी तनेजा मेरे साथ आएंगे, विक्रम सिंह के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मानवी, फाइल क्यों डिलीट हो गई दिशा सालियान केस की? जो डेथ है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती है, क्योंकि जब दिशा की डेथ हुई, दिशा की डेथ से पहले सुशांत को कॉल किया था, सुशांत को कोई राज बताया था और वो राज सुशांत ने रिया को बता दिया था। तो जब रिया को उसने बता दिया था कि ऐसे ऐसे उसकी और दिशा की बात हुई है, रिया ने उसी वक्त घर छोड़ दिया। सुशांत बहुत डिप्रेशन में था और सुशांत ने यही बात अपनी बहन से करी, क्योंकि जब रिया ने घर छोड़ दिया था तो उसकी बहन ने सुशांत के साथ थोड़े दिन टाइम स्पेंड किया था, तो उससे अपनी ये जो बात थी वो अपनी बहन से बोली थी और ये बोला था कि मैं बहुत अपसेट हूं दिशा की मौत को लेकर के, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं। लेकिन इनकी दोनों की जो फ्रेंडशिप थी दिशा और सुशांत की, उसकी वजह से उसने जिक्र नहीं किया कि क्यों वो अपसेट है, बिकॉज़ एक बॉन्ड की वजह से, वो ट्रस्ट की वजह से उसने अपनी बहन से नहीं शेयर किया कि क्यों परेशान है। लेकिन वो रिया को सब कुछ बता चुका था, वो सब कुछ रिया को बता चुका था और वहां से ये बात लीक हुई है कि क्या वो राज था दिशा के डेथ के पीछे। और सुशांत ने यह भी बोला था कि मैं चुप नहीं रहूंगा, जो रिया के कातिल है मैं वहां तक पहुंच के दिखाऊंगा। तो पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि दिशा और सुशांत की डेथ कहीं ना कहीं इंटररिलेट हो रही है, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अब 90 दिन हो रहे हैं, इन्होंने कोई एफआईआर तक नहीं करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अगर पेरेंट्स कह भी रहे हैं कि आप सुसाइड है, तो मुंबई पुलिस का फर्ज नहीं बनता, उन्होंने देखने का फर्ज नहीं बनता, क्योंकि देखिए कई बार पेरेंट्स ऐसे हालात में हो जाते हैं जब वो अपनी बेटी की बदनामी नहीं चाहते हैं। लेकिन पुलिस का तो फर्ज बनता है कि जो लोग वहां पे पार्टी में मौजूद थे उनके साथ इंटरोगेट करें, उनसे इंक्वायरी करें, कोई रिकॉर्ड्स रखे। कोई रिकॉर्ड नहीं, मतलब तमाम चीजें अगर आप देख रहे हैं, जैसे पहले भी ये डिटेक्टिव जो भी आपके चैनल के माध्यम पे आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर डेथ होती है, अगर ऊपर से कोई जंप करता है तो 2 या 3 फीट ही जाता है आगे, लेकिन दिशा की जो बॉडी है वो 6 फीट तक दूर गई है। तो मतलब तमाम अगर आप सपूत को देखेंगे, उस वक्त क्राइम सीन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको उधर ही पता लग जाएगा, और जो पुलिस है उनको उधर ही पता लग जाएगा कि ये क्राइम सीन ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ है क्राइम सीन में। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया नहीं, क्योंकि मैं फिर वही चीज बोलना चाहती हूँ कि तमाम ये लिंक्ड है और तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसी वजह से इन्होंने केस नहीं किया। उसके बाद जो फाइल थी दिशा की वो डिलीट भी कर दी, क्योंकि ये हर चीज को दबाना चाहते हैं, ये इनको पता है कि अगर एक बंदा पकड़ा गया तो तमाम जो लोग इन्वॉल्व है वो झांसे में आ जाएंगे सीधे। पारुल खेरा, क्यों डिलीट हो गई दिशा सालियान के मर्डर की फाइल? आज तो चश्मदीद एक एक राज खोल रहा है, क्या जवाब देंगी, कैसे डिफेंड करेंगी अब आप शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को? दीपक जी, मैं पहले बता दूं, मैं शिवसेना समर्थक नहीं हूं, मैं रिया को जरूर सपोर्ट करती हूं, बट मैं मुंबई पुलिस या शिवसेना को सपोर्ट नहीं करती हूं। मेरा कहना इतना है कि अगर मुंबई पुलिस ने इतने दिन लगाए, हम रोज उनसे क्वेश्चन पूछते थे, तो अभी हमें सीबीआई से भी पूछना चाहिए। आज तो महीने से कहीं ऊपर हो गया है कि हमें सीबीआई की तरफ से भी एक बयान नहीं आया। हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हुआ क्या था, दिशा कैसे लिंक थी सुशांत से, मर्डर था, सुसाइड था, दोनों की अभी तक कोई भी गुत्थी सुलझती हुई दिख नहीं रही है। बट मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आज आपने अपने चैनल पे एक चश्मदीद गवाह को लेकर आए हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। पहले तो इतने दिन तक वो कहाँ थे, ठीक है वो डरे बैठे थे, आज आपके माध्यम से वो आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है कि वो अपनी बात सामने रख रहे हैं, और हम क्या पता इसी से हम लिंक टू लिंक जोड़ते जाए और हम किसी नतीजे पे पहुंचे। बट कहना बस यही है कि इतने लोग दिशा की पार्टी में थे, अभी तक कोई सामने नहीं आया। उनका बॉयफ्रेंड जो उनसे शादी करना चाहता था वो तो पता नहीं कितने दिनों से गायब है, ना उसका कोई बयान है। बट मेरा बस इतना ही कहना है कि क्या सीबीआई भी कुछ नहीं कर पा रही है इस केस में, या हम अभी भी खाली हाथ ही हैं, हमें कुछ मिल रहा है? ठीक है, सीधे प्रियंका राणा से इसका जवाब लूंगा।
सीबीआई पे सवाल उठा रही हैं, लेकिन पहला प्राइमरी सवाल मुंबई पुलिस पर नहीं बनता प्रियंका? देखिए दीपक जी, इतने सालों से अभी जो पूर्व एसीपी हैं उन्होंने काफ़ी सारे केसेस भी गिनाए कि बॉलीवुड में इतने केसेस सुसाइड के हुए थे, आज तक अगर कोई नहीं बोला, किसी ने कोई जांच नहीं की, तो क्या आज भी हम चुप रहेंगे? क्या आज अगर ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और उसके कनेक्शंस पता भी चल रहे हैं तो भी क्या हम लोग चुप रहेंगे? और ये कहना कि पहले पुलिस ने नहीं किया तो अभी सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, अरे सीबीआई इतने कनेक्शंस निकल रहे हैं, पहले तो कास्टिंग काउच के बारे में भी कोई नहीं बोलता था, मी टू कैंपेन भी चला, उसमें भी बहुत सारे खुलासे हुए, आज भी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इतने सारी चीज़ों को जाँच करना, खुलासे करना क्या आसान काम है? और जबकि आप महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या सीबीआई के लिए इतना आसान होगा? इतनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को तो आप थप्पड़ और गालियां दे रहे हैं और उनको डरा करके कह रहे हैं कि आप निकल जाइए मुंबई से, तो ऐसी मुंबई में आप ये सब जांच निकालना, और ऊपर से जब मीडिया जाती है, मीडिया के लिए पुलिस बुला ली जाती है कि भाई मीडिया भी आप हमको मारना चाह रही है, अगर वो इतना ही डरा हुआ है, ऐसी क्या बात है कि जो वो मीडिया के कैमरे से देख करके आदमी डर जाता है? ठीक है, वेद भूषण जी के पास चलता हूं। वेद भूषण जी, कहीं अगर आप इस केस के आईओ होते, प्रियंका थोड़ा संक्षेप में रखते हैं, एक 30 सेकंड का जवाब है भूषण जी, अगर आप इस केस के आईओ होते तो क्या फाइल बंद कर देते? एविडेंस है, तोड़ मरोड़ दोगे तो सीबीआई क्या करेगी? दीपक जी, हर एक सुसाइड मर्डर नहीं होता, दोबारा रिपीट करता हूँ, हर एक सुसाइड मर्डर नहीं होता हिंदुस्तान। प्रियंका राणा थोड़ा शांति का दान दें, हर एक सुसाइड मर्डर नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर। आप एनसीआरबी का डाटा देख लें, 200 से 250 सुसाइड डेली होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, गांव के अंदर होते हैं, राजधानी में होते हैं, मुंबई दिल्ली हर कॉस्मोपॉलिटन शहर के अंदर सुसाइड होते हैं। हर एक मर्डर नहीं होता, हर सुसाइड मर्डर नहीं होता, और मैं तो दिशा सालियान के केस की बात कर रहा हूं। दीपक जी, कानून की धारा है, केस के बाद क्या वेद भूषण फाइल बंद कर देते मुंबई पुलिस की तरह गांधारी बने रहते टू डेथ? ये कहती है सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू डेथ, सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू डेथ, ये डेथ किन हालातों में हुई है? तो क्या तो बता रहे ना हालात, ये 174 बता रहा है हालात, इसके तहत ये दोनों बता रहा है हालात। हाँ तो हाँ तो सुशांत के, यदि इसका कोई लिंक सुशांत केस से है तो उसकी जांच करने का सीबीआई को पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अंदर बिल्कुल डिटेल व्याख्या कर दिया है। आपको सीबीआई, आपको सीबीआई के सीबीआई पर विश्वास नहीं है? अगर आपके मन में या मेरे मन में सुसाइड का ख्याल आता है तो क्या उससे पहले मैं पार्टी करूंगा? सवाल बहुत बड़ा है, सवाल बहुत बड़ा है। अगर मैं सुसाइड का ख्याल मेरे मन में आ रहा है तो क्या उससे पहले मैं पार्टी करूंगा? ब्रेक के लिए रुकते हैं, डांस करूंगा फिर बोलूंगा। आइए मैं कूदता हूं खिड़की से, दिशा सालियान के ऐसे ही सरकमस्टेंसेस है, हमारा चश्मदीद खुलासे करते जा रहा है एक के बाद एक।